इलेक्शन में खिदमत की सियासत की जीत होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि अवाम इमरान खान के फरेब नारों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत पर पहरा देगी। वज़ीर आला की पुलिस और इंतजामिया को मुकम्मल गैर जानिबदारी की हिदायत। इंतजामिया इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मनोअन अमल कराए। ज़िमनी इंतखाबात में कम से कम 16 सीटें जीतेंगे। हमजा शहबाज को वज़ीर आला के मनसब पर बैठने का कोई हक नहीं है। आज अदालत ने कहा है कि पोलिंग एजेंट्स कहीं से भी ला सकते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शौकत अरीन बोले कि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बैंकों पर सुपर टैक्स लगा रहे हैं। महंगाई का कहकर हमारी हुकूमत को आपने नुकसान पहुँचाया। हमाद अज़हर ने कहा कि चंद अफराद की जिद और बैरूनी क़ुव्वत की ख्वाहिश पर यह हुकूमत खड़ी है। उनकी सोच थी कि पैसे और इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन जीत जाएंगे। और लाहौर के हलका पीपी 168 में एक शख्स से शिनाख्ती कार्ड्स मिलने का मामला। जिर हिरासत शख्स की फारूक हबीब के साथ मुबैना व्हाट्सएप गुफ्तगू लीक हो गई। मुलजिम ने पीटीआई रहनुमा हाफिज फरत अब्बास से भी गुफ्तगू की। मुलजिम ने हाफिज फरत को मुबैना तौर पर सैकड़ों शनाख्ती कार्ड खरीद कर भेजे। मुलजिम ने बताया कि वो गुज़श्ता रात तक 7000 वोटर खरीद चुका था। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने इल्जाम की तरदीद कर दी। नून लीग इलेक्शन हार चुकी है, ये इनके प्लांटेड लोग हैं।